नमस्कार, अब खबर मऊ से। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में एक बार फिर एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। कलयुगी बेटे के इस करतूत से पूरे गांव में हड़कंप और अफरा तफरी का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहीं मां के हत्यारे बेटे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कलयुगी बेटे का एक पूरी करतूत जिले के घोसी कोतवाली क्षेत्र के लाखीपुर गांव की है, जहां गांव के रहने वाले बालचंद्र के बेटे प्रेम सागर ने अपनी मां परसी, जो कि 50 वर्ष की थी, कई फावड़े से काटकर हत्या कर दी। मामला था, प्रेम सागर की पत्नी अपनी मायके गई हुई थी, जिसको लाने के लिए प्रेम सागर लगातार दबाव पिता और मां पर बना रहा था कि उसकी पत्नी को बुला ले, लेकिन जब उसकी पत्नी मायके से नहीं आ पाई तो उसका अपनी परमी के साथ में कहासुनी होने लगी। इसी बीच क्रोधित होकर प्रेम सागर ने अपने के सर पर फावड़े से वार कर दिया, जिसके उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की प्रेम सागर फरार होकर गांव के सिवान में चला गया, लेकिन उसकी जानकारी तुरंत परिवार वालों को हो गया और जब तक परिवार के अन्य सदस्य परमी देवी को उठाने की कोशिश करते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परमी देवी के मौत की खबर को स्थानीय पुलिस वालों को दे दी। हत्या की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मां की हत्या के जुर्म में पुलिस ने कलयुगी बेटे को गिरफ्तार कर थाने के लॉकअप में बंद कर दिया है। मां की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार प्रेम सागर के पिता बालचंद ने बताया कि उसके बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी है और पुलिस उसको गिरफ्तार कर थाने ले गई है। बताया गया कि बहू मां के गई थी, जिसको लाने के लिए वह बार बार कह रहा था, जिसको लेकर पूरा विवाद हुआ था और उसने अपनी मां को मार दिया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि बेटे ने अपनी की हत्या कर दी है। मामले में FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस ने बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया है। मऊ से ATV न्यूज़ चैनल के लिए विनय श्रीवास्तव की स्पेशल रिपोर्ट।